चटनी। चटनी एक ऐसी रेसिपी है जिसे हम कभी भी किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं और चटनी कई प्रकार से बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं टमाटर प्याज और खीरे की चटनी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक अनोखी सी चटनी है, शायद आप पहली बार खाएंगे और पहली बार ही देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, बनाते हैं एक यूनिक सी चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं, लगभग वेट में 200 ग्राम टमाटर होंगे। अब हम इनको अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के लिए हमें सिर्फ इसके 2 पार्ट करने हैं, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं कट करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे टमाटर को 2 पीसेस में कट कर लिया और उसका ये जो ऊपर का पार्ट है इसको भी हम अलग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए मैंने टमाटर को बहुत अच्छे से कट कर लिया है। आप जैसा कि आप सब जानते हैं, कोई भी चटनी हो वो हमारे खाने के स्वाद को दुगना कर देती है। तो हम आज एक स्पेशल सी चटनी बनाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी खाई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब गैस की तरफ चलते हैं और इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। गैस पे एक पैन रखते हैं और पैन में 1 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल ऐड करते हैं। हमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल ही यूज़ करना है। इस ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के लगभग जीरा ऐड करते हैं और 1/2 टेबल स्पून के लगभग भी हम इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करते हैं। और इसको अच्छे से सॉटी होने देते हैं। जैसे ही हमारे मस्टर्ड सीड और जीरा अच्छे से सॉटी हो जाए तो हम इसमें यहाँ पर 8 से 10 करी पत्तों को कट करके ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे से सॉटी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारा करी पत्ता भी अच्छे से सॉटी हो गया है। अब हम इस स्टेज में हमने जो टमाटर को कट करके रखा था उसको अपने पैन में ऐड करेंगे और टमाटर को हमें उल्टा करके रखना है पैन में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सारे टमाटर को पैन में अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियों को कट करके रखा था उसको भी पैन में ऐड करेंगे और ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको एक लिड से कवर करके अच्छे से 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉटी हो जाए। फ्रेंड, चलिए पैन की लिड को हटाते हैं और अपने टमाटर को दूसरी साइड चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी टमाटर बहुत ही अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना, एक साइड से टमाटर बहुत अच्छे से पक गया, ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसको दूसरी साइड चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से हम इस तरफ से भी टमाटर को अच्छे से पक दें। इसी तरह से हम टमाटर को इस तरह साइड से भी अच्छे से पकने देंगे। पैन की लिड को वापस 2 मिनट के लिए लगा देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर स्लो ही रखेंगे। फ्रेंड, 2 मिनट हो गए हैं, पैन की लिड को हटाते हैं और अपने टमाटर को चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा टमाटर बहुत ही अच्छे से पक गया, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस टमाटर को हल्का सा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम एक बोल लेते हैं और बोल में अपने टमाटर को ट्रांसफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए मैंने टमाटर के साथ सारे मसालों को बोल में अच्छे से ट्रांसफर कर लिया है। अब हम एक मैशर लेंगे और मैशर की मदद से इन टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैशर से हमने टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1 प्याज को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे, 1 खीरे को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और ढेर सारा लहसुन धनिया इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे।
नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी आपने कभी खाई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ किसी भी तरीके से खा सकते हो। फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारी टमाटर प्याज और खीरे की चटनी बनके तैयार है। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। बॉल को साइड में रखते हैं और एक प्लेट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये लीजिए मैंने अपनी चटनी की प्लेटिंग कर दी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के लिख के ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। खाते रहिए, खिलाते रहिए, मस्त रहिए और इन गर्मियों में अपना ध्यान रखिए।